नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षित गर्ग है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुड़गांव में एज हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज हम कुछ अलग तरह की हार्ट की बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो कि हार्ट के करंट से, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जुड़ी होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा या घर परिवार में किसी को शायद हुआ भी हो कि दिल की गति अचानक से बढ़कर, जो 70-80 होनी चाहिए वो बढ़कर 150-220 तक भी हो जाती है, वो अचानक से ही होती है और अचानक से कई बार ख़त्म भी हो जाती है। ऐसे में पेशेंट को तेज़ धड़कन महसूस होना, हल्का पसीना आना, चक्कर महसूस होना, ये सब चीज़ें होती हैं और अक्सर अगर ये चीज़ खुद ही ठीक ना हो तो पेशेंट को कई बार हॉस्पिटल जाके कुछ ट्रीटमेंट, एक इंजेक्शन देने से वो चीज़ ठीक हो जाती है। इसे हम PSVT यानी पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। ये दिल के करंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। दिल की एक विशेषता ये है कि ये खुद से धड़कने की क्षमता है। हार्ट में शरीर के किसी भी हिस्से को काम करने के लिए ब्रेन से सिग्नल आना ज़रूरी है, लेकिन अगर दिल का और दिमाग का कनेक्शन कट भी जाए तो भी दिल खुद से धड़क सकता है। इसके लिए भगवान ने हमें, हमारे हार्ट में एक बैटरी फिट की हुई है जिसे हम पेसमेकर या एसए नोड कहते हैं। ये हार्ट के राइट हिस्से में, ऊपर के हिस्से में लगी होती है। वहाँ से करंट चलता है और जहाँ चारों खाने मिलते हैं वहाँ रुकता है और फिर नीचे के चेम्बर्स में ट्रेवल करता है। ये ईश्वर ने एक ही रास्ता बनाया है, लेकिन किसी किसी में एक से ज़्यादा रास्ता भी मौजूद होता है और इन दोनों रास्तों में कभी शॉर्ट सर्किट कह लीजिए या कनेक्शन जुड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम, अचानक से दिल की गति बढ़ने की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो कुछ बातें ये जाननी ज़रूरी हैं कि इसके कारण हमें होगा क्या। तो पहली बात, इसके कारण पेशेंट को सिम्टम्स होंगे लेकिन जान को खतरा अक्सर नहीं होता है। इसमें ये कुदरती, ईश्वर की एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लीजिए, लेकिन ये किसी चीज़ के खाने पीने से नहीं जुड़ा है, कुछ करने से, कोई किसी बुरी आदत से, किसी माता पिता से नहीं आता है, तो ऐसी चीज़ों से ये संबंधित नहीं है। इसका इलाज अक्सर दवाइयों से संभव होता है। दवाइयों से 50-70% से ज़्यादा मरीज़ों में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हम इसमें दवाइयों के सहारे इनके एपिसोड्स के होने की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, लेकिन कई बार जिनमें दवाइयाँ कामयाब नहीं हो पा रही हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम एक और पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम EPS या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं। उस तकनीक के द्वारा हम हार्ट में कुछ इलेक्ट्रोड्स ले जाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा जो रास्ता है, जो एक और रास्ता जो बना हुआ है, वो कहाँ है, और उसे ढूंढकर उसे हटा देने को की प्रक्रिया को हम कहते हैं RFA, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। ये काफ़ी रिस्क फ्री प्रोसीजर होते हैं और इसमें अक्सर एक दो चीज़ों का खतरा ज़रूर रहता है, जैसे कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, यानी कि पूरी तरह से जो नॉर्मल पाथ है उसका भी हट जाना, उसको भी डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से पेशेंट को पेसमेकर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कोई इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ऐसी चीज़ों का रिस्क थोड़ा बहुत रहता है, पर ये सब आमतौर पर 1-2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो इस विषय में और जानकारी भी आपसे शेयर करेंगे, पर सारांश में ये बीमारी जन्मजात है और इससे जान को कोई खतरा नहीं होता है और ये दिल के इलेक्ट्रिकल सर्किट से जुड़ी हुई है। अक्सर एक से ज़्यादा रास्ता होने की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आती है और दवाइयों से पहले इससे हम रोकने की कोशिश करते हैं, और जिनमें दवाइयाँ नहीं कामयाब होती हैं उनमें हम EPS और RFA करके उस रास्ते को ढूंढकर हमेशा के लिए उसे हटा देते हैं। धन्यवाद।